पुत्री, सत्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता और ना ही निडरता से बड़ी कोई शक्ति। और आप तो सदैव से ही सत्य और धर्म के साथ हैं। आप जितनी निश्चल हैं उतनी ही निडर भी, इसीलिए विजय आप ही की होगी, अवश्य होगी। नहीं पुत्री, ये अश्रु नहीं, ये हमारी प्रसन्नता है, हमारा गर्व है कि आज हमारी पुत्री इतनी बड़ी हो गई कि संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए अधर्मी अंधकासुर से युद्ध करने जा रही। माते, हम जानते हैं यदि हम आपसे एक क्षण में दूर हो जाए तो आप हमारे लिए चिंतित हो जाती हैं, किंतु आज केवल आपके लिए नहीं अभी तो संसार की सारी माताओं की चिंता दूर करने जा रहे हैं हम। इसलिए विजय हमारी ही होगी। अवश्य पुत्री। विजयी भव। आयुष्मान भव। और हमारी दोनों सखियों के मुख कितने उतरे उतरे क्यों हैं? क्योंकि हम तुम्हारे साथ जो नहीं जा पा रहे गंगा, और हम तुम्हारा युद्ध भी नहीं देख पाएंगे। हाँ। चिंता मत करो, हम देवलोक से लौटकर तुम दोनों को अंधकासुर के अंत की कथा विस्तार में सुनाएंगे। तभी जब तुम हमें झूला झुलाओगी। और तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि हम जा रहे हैं। देवी वो इसलिए। देवी? अब देवव्रत। देवव्रत वो क्या स्वर्गलोक जा रही है ना दिव्यरथ में, इसलिए। राजकुमारी गंगा की विजय भव। हे मां आदि शक्ति, मेरी पुत्री को शक्ति दीजिए ताकि वो अपना कर्तव्य पूरा कर सके और पापी अंधकासुर का अंत कर संपूर्ण संसार की रक्षा कर सके। हे विजेता असुरराज अंधकासुर की, विजेता असुरराज अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की।
अंधकासुर की। असुरों, आज से हमारी सारी चिंता, सारे भय, सारी प्रतीक्षा समाप्त। अब हम बनेंगे अजर, अमर, अविनाशी असुर, क्योंकि आज हम देवताओं के सबसे बड़े शस्त्र गंगा का संपूर्ण विनाश कर देंगे। असुरराज, आप आज्ञा तो कीजिए, हमारे महान योद्धा इस महायुद्ध में जाने के लिए कब से तैयार है? नामुची, गंगा मात्र एक बालिका है, उससे युद्ध करने के लिए हमारी समस्त असुर सेना की क्या आवश्यकता है? किंतु असुरराज, वो तुम सब उत्सव की तैयारी करो, उस गंगा से युद्ध करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। पूर्णाक्ष, गंगा, जिसी धर्म द्रव्य से जन्मी हो ना तुम, आज मैं तुम्हारे इस मूल का सम्मूल नाश कर दूंगा। अंधकासुर, गंगा का मूल धर्म है और धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। गंगा, तुम स्वयं ही चली आई, अच्छा किया, तुमसे अंतिम भेंट भी हो गई और तुम्हें अपने सामने मिटते हुए देखने का आनंद ही कुछ और होगा। तुम हमें मिटाओगे? जिस पर श्री हरि नारायण की कृपा होती है उसे कोई नहीं मिटा सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हे देवी गंगा, आप दया और करुणा की देवी हैं, किंतु इस बार अंधकासुर को क्षमा मत कीजिएगा, अंत कर दीजिए इस अधर्मी का। प्रभु, देवी गंगा तो शस्त्रहीन है, तो वो अंधकासुर के इस प्रहार का सामना कैसे करेंगी? देवी, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी शक्ति शस्त्र नहीं अपितु उनकी भक्ति होती है, इसलिए देवी गंगा को भी अपनी भक्ति को अपनी शक्ति बनाना होगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। देव राजेंद्र, आज देवी गंगा ने अपने रूप का ही नहीं अपितु अपने धर्म का भी विस्तार किया है। उनके इस भव्य रूप को देखकर हम सभी देवता धन्य हो गए। जय जय गंगे, जय जय गंगे। अंधकासुर, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी क्षीण है जो हमारे जल चक्र का सामना नहीं कर पाया, वो हमारा क्या सामना करेगा? भूल तो तुम रही हो गंगा, मैंने कहा था मैं अवश्य लौटूंगा और आके तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब देखना
कैसे मैं तुम्हारा, तुम्हारे धर्म का और तुम्हारे इस धर्म द्रव्य का अंत करता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा बालिका रूप सबके लिए एक दिखावा है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। किंतु आज तुम किसी रूप में भी आ जाओ गंगा, तुम्हारा अंत निश्चित है। धर्म द्रव्य तक सुई की नोक के जितनी भी पाप शक्ति पहुंच गई तो यह धर्म द्रव्य कलुषित हो जाएगा, और इसीलिए मुझे रोकने का तुम पूर्ण प्रयास करोगी। किंतु तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा हर प्रयास असफल होगा गंगा। अंधकार सर, तुम्हारी सारी पापमय शक्ति हमारे स्पर्श मात्र से ही समाप्त होती जा रही है। अब किस शक्ति का प्रयोग करोगे तुम? अब मैं पाप शक्ति का नहीं अपितु देवों की शक्ति का प्रयोग करूंगा। देवों की वो शक्ति जिसका दुरुपयोग करते ही वो संसार का सबसे बड़ा पाप बन जाता है, और वो शक्ति है कामास्त्र। देवगुरु, यह तो कामदेव का कामास्त्र है, धर्म मोक्ष और अर्थ के समान ही संसार के लिए आवश्यक। किंतु यदि इसका उपयोग अधर्म के लिए किया गया तो इससे बड़ा और कोई पाप नहीं। हाँ देवराज, कामास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं बच पाए। समझ में नहीं आता देवी गंगा इस कामास्त्र को कैसे रोकेगी। धर्म अर्थ और मोक्ष से अलग होकर कर्म एक पाप बन जाता है, किंतु धर्म अर्थ मोक्ष के जल से मिलकर वो उनका शत्रु नहीं पित सहयोगी हो जाता है। तुम धर्म को पराजित नहीं कर सकते, और यदि तुम्हें अपनी विजय चाहिए तो अधर्म के मार्ग को त्याग दो। गुरुदेव, अब समय आ गया है आपके मार्गदर्शन का।
मेरे गुरु की अस्थियों में वास करने वाली समस्त महान शक्तियों, हे अस्त्रों के महान पूर्वजों, जागृत होइए। ये कैसी शक्तियां हैं? हे महादेव, आपने सदैव अपने भक्तों की सुरक्षा और सहायता की है। आज हमारी पुत्री की भी रक्षा कीजिएगा। उसे वो शक्ति दीजिएगा कि वो उस अंधकासुर के अहंकार और अधर्म का सदा सदा के लिए नाश कर दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा, जिस प्रकार तुम देवों की पवित्र शक्ति हो, उसी प्रकार ये असुरों की सबसे बड़ी पापमय शक्ति है, जिसे ना तुम रोक सकती हो, ना धारण कर सकती हो और ना ही इसको नष्ट कर सकती हो। प्रभु, अंधकासुर क्या कह रहा है? देवी गंगा तो पाप नाशिनी है, तो वो इन पापमय शक्तियों का अंत क्यों नहीं कर सकती? देवी, ये पापमय शक्तियां उन असुरों की इच्छाएं, क्रोध और प्रतिशोध हैं, जो न केवल पहले से ही मारे जा चुके हैं अपितु उन्हें मोक्ष भी मिल चुका है। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? जिन्हें मोक्ष मिल गया हो, उनकी इच्छाएं कैसे जीवित रह सकती? देवी, असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने मोक्ष से पहले इन आत्माओं में वास करने वाले क्रोध, प्रतिशोध की इच्छा और असीम पापमय शक्तियों को अपनी अस्थियों में समाहित कर लिया था। इसलिए मोक्ष के पश्चात भी ये पापमय इच्छाएं जीवित हैं। इसका अर्थ तो ये है प्रभु कि ये वो पापमय शक्तियां हैं जो होकर भी नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ देवी, और इसलिए इनका अंत भी नहीं किया जा सकता। हे महान असुरों की इच्छाओं, इस पवित्र धर्म द्रव्य को कलुषित करके अपना प्रतिशोध पूर्ण करो। शक्तियों का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किंतु संसार की रक्षा के लिए हमें इन्हें धारण करना ही होगा। क्योंकि पवित्र धन द्रव्य को कलुषित होने से बचाने का अब केवल यही एक मार्ग है।
गंगा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.